मुरारीपुर नाम का एक गांव था जहां गिरिधर नाम का एक किसान रहता था। गिरिधर ने रमा से दूसरी शादी की थी, लेकिन गिरिधर की बेटी नैना अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ, दोपहर में बाहर से खाना खरीदना और मुझे पहुँचाने आ जाना। नैना, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर दिया है, ये लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सड़े हुए हाथों का खाना, मुझे बस अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद था। बेटा, ये भी तुम्हारी माँ है, टिफिन ले जाओ। मैं इन्हें अपनी माँ कभी नहीं मानूंगी। इस तरह नैना अक्सर बिना लंच लिए ही स्कूल चली जाया करती थी। रमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि वह एक अच्छी माँ बन सके। वह नैना के कपड़े धोती, उसका कमरा साफ करती, उसके कपड़ों पर प्रेस करती, लेकिन कोई भी चीज नैना को खुश करने के लिए काफी नहीं थी। एक दिन रमा ने नैना के बेड पर सूट पड़ा देखा। रमा ने सोचा कि सूट गंदा है, इसलिए उसने उसे वॉशिंग पाउडर में भिगो दिया। कुछ देर बाद नैना अपने कमरे में पहुंची और सूट ढूंढने लगी। मेरा सूट कहाँ चला गया? यही बेड पर तो रखा था। नैना गुस्से में अपने कमरे से बाहर गई और रमा से बोली, ए रमा नौकरानी, मेरा सूट कहाँ है? मुझे लगा वो ढूंढने के लिए है, इसलिए वो सूट मैंने भिगो दिया। नैना की आंखों में खून उतर आया। अब मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में क्या पहनकर जाऊंगी? आज के बाद तुम मेरे रूम में घुसी तो धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। गिरिधर जब नैना को रमा से इस तरह की बातें कहते सुनता तो उसे बहुत दुख होता। गिरिधर ने दूसरी शादी यह सोचकर की थी कि रमा के आने पर नैना अकेली नहीं रहेगी और उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरिधर अब और ज्यादा परेशान रहने लगा। मुझे माफ कर देना रमा, तुम यहाँ कितना अपमान सहती हो फिर भी कुछ नहीं कहती। अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन नैना जरूर बदलेगी, और वो चाहे मुझे कितनी भी नफरत दे, लेकिन मैं उसे हमेशा प्यार देना जारी रखूंगी। एक दिन नैना गिरिधर से बोली, पापा, मेरे स्कूल में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, मैंने पेंटिंग का सारा सामान एक पर्चे पर लिख दिया है, इसे ले आना। हाँ बेटा, मैं आज ही सारा सामान ला दूंगा। नैना जब पेंटिंग बना रही थी तो रमा ने उससे पूछा, नैना, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, पेंटिंग जैसी चीज तुम जैसे गवार लोगों के लिए नहीं है। अब क्या मैं तुम्हारा एक कैनवस ले सकती हूँ? ओहो, फिर मेरा सिर खा रही हो। एक पुराना कैनवस मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया है, तुम्हें पेंटिंग बनानी है तो उस पर बनाओ, और रंग भी पुराने वाले ले लो अलमारी से, नए रंग मैं तुम्हें खराब नहीं करने दे सकती। दिन रात मेहनत करने के बाद नैना ने अपनी पेंटिंग बनाई। कॉम्पिटिशन के ठीक पहले वाली रात को जब नैना अपनी पेंटिंग पर अपना नाम लिख रही थी तो धोखे से उसका हाथ रंग के डिब्बे पर लग गया। सारा रंग पेंटिंग पर फैल गया और पेंटिंग खराब हो गई। नैना रोने लगी, उसकी कई दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। नैना की रोने की आवाज सुनकर गिरिधर और रमा नैना के रूम में पहुंचे। क्या हुआ बेटी? पापा, धोखे से रंग का डिब्बा पेंटिंग पर गिर गया, मेरी सारी पेंटिंग खराब हो गई। कल सुबह ही कॉम्पिटिशन है। अब एक मिनट रुको नैना। रमा बाहर गई और एक सुंदर पेंटिंग उठाकर लाई। नैना रमा की पेंटिंग देखकर चौंक गई। क्या ये आपने बनाई है? हाँ, पुराने रंगों का इस्तेमाल करके कोई इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बना सकता है? मैंने चित्रकारी अपने पापा से सीखी थी। तुम इस पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिख दो और कॉम्पिटिशन में इसे ही ले जाओ। नैना रमा की पेंटिंग पर अपना नाम लिखकर कॉम्पिटिशन में गई और उसकी पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज जीता। नैना उस दिन जब घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया और ना ही तमीज से बात की, और आपने मेरे लिए कितना कुछ किया।
कोई बात नहीं नैना, छोटों से गलतियाँ हो जाती हैं, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। उस दिन के बाद से नैना अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी से रहने लगी।